केंजल, परितोष बेटा स्टेज पर आओ। प्रमोद स्टॉप इट। आज ये सगाई होकर रहेगी राखी, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसका हिस्सा बनना चाहती हो या ये सगाई तुम्हारे बिना ही हो जाए। और अगर तुम ये सगाई छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ। इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। चलिए राखी बहन, मैंने आपसे कहा था ना कि घमंड और गृहस्थी एक साथ नहीं चलते। वैसे ही बच्चों की खुशी और माँ की जिद एक साथ नहीं चलते। बच्चों की खुशी के आगे माँ के जिद को झुकना ही पड़ता है। चलिए मॉम प्लीज। मुझे हमेशा गर्व था, आज दुगना हो गया। चलो, जिसका अंत भला उसका सब भला। अरे तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चलो। हाँ जीजा जी, ये लोग सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? अरे मामा चलो, अब सगाई करनी है कि नहीं? आओ 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 आओ, आओ, आओ। हाँ बा, चलिए चलिए, आइए राखी बहन। ये लो बेटा। पापा मन नहीं है। आ करो पापा प्लीज। बेटा थोड़ी शुगर खाओगी ना तो एनर्जी फील होगी, स्ट्रॉन्ग फील होगा, फ्रेश हो जाएगी। का आ आ आ कर, जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। वैसे भी तोशु भाई ना बहुत डेस्परेट हो रहे हैं सगाई के लिए। ए, मैं डेस्परेट नहीं हो रहा हूँ सगाई के लिए, मैं तो डेस्परेट हो रहा हूँ अपनी पाखी को हंसाने की। अरे चिंता मत कीजिए, कुछ हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं अनुपमा क्योंकि तुमने होने नहीं दिया, ना ही हमारी बेटी को और ना ही तोशु की सगाई को। तुम कुछ भी कर लो वनराज, आखिर में लौट के अनुपमा के पास ही जाते हो। दांत साफ करके तो आया हूँ। तो दांत दिखा और फोटो अच्छी आएगी। और तू ऐसे दांत भिड़ के हमेशा खड़ी रहेगी हैं? कभी जीभ ना दांत के बीच में आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है पर स्माइल करो, शायद फोटो अच्छी आ जाए। आप वहाँ क्या कर रहे? यहाँ आइए हमारे साथ। बाबूजी, अरे बहू वनराज। हाँ बाबूजी। पापा यू ओके? हाँ बेटा। मम्मी? हाँ? मुझे तो लगता था आप सिर्फ इमोशनल रोना धोना कर सकती हो, लेकिन आप तो एक्शन में भी कमाल हो। चुप कर। चल चल। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। चलो अंगूठी पहनानी है। चलो चलो चल चल चल। सगाई की रस्म पे मेरा तो सुबह ही शेरवानी पहने का जो मैंने अपनी साड़ी से बनाई है, अभी लेकर आती हूँ।
शेरवानी है। उसका एक एक धागा मेरे प्यार और आशीर्वाद से बना है, पर वो कई कहां? मम्मी क्या हुआ? वो तोसु की शेरवानी, वो पता नहीं शायद घर पे रह गई। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं ले आता हूँ। मैं भी चलती हूँ साथ में। चल। अरे नहीं मम्मी, क्यों? आपकी सगाई निकल गई तो? पागल छोकरा, लड़के की माँ के बिना कभी सगाई हो सकती है क्या? और वैसे भी तुझे तो सामने पड़ा हुआ टुअल नहीं दिखता, तो ये शेरवानी कहाँ से दिखाई देगी? आज मेरा तोसु अपनी सगाई की रस्म में माँ के हाथ की बनी हुई शेरवानी पहनेगा। चलिए फिर, वैसे भी पंडित जी टाइम लगाएंगे और हम तो 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ। चलिए चलो। चल, चल, चल। जो 20 साल से मैंने इस दिन का इंतजार किया है, इसलिए नहीं चाहती कि इस पल में कोई भी कमी रह जाए। तू मेरी बनाई हुई शेरवानी ही पहनेगा तोसु, ये अभी लेकर आती हूँ। चलो फिर। हाँ, चलो। आज सब अच्छा होगा बा, देखना सगाई की रस्म एकदम परफेक्ट होगी। हाँ बस। यही तो था, मैंने झिलमिल को दिखाया था कुर्ता। मैं उधर देखता हूँ मम्मी। हम हाँ मम्मी, मिला? हाँ नहीं, कहाँ गई है? काला जी मिलवा दो ने शेरवानी। समान, वो वाह, कहा था ना तेरे नजरों के सामने होगी और तुझे दिखाई नहीं देगी। काला जी चलो। ये पंडित जी इतना धीमे धीमे मंत्र बोलते हैं ना कि पूजा की रस्म एकदम लंबी हो जाती है। बेटा मंत्र सही से पढ़ो। अब पंडित जी अगर आपका हो गया है तो हम आगे बढ़े, मुहूर्त निकला जा रहा है। सर्ववाद आप्रसन्नमंत्र लोके से अखिलेश्वरी। पर ये शेरवानी तेरे माँ बाप के आशीर्वाद, उनके प्यार, उनके यादों के धागों से बनेगी। आज इसकी सगाई है। बता इसने ये रिंग कैसे ली? अपने गहने बेचकर। लड़के की माँ के बिना कभी सगाई हो सकती है क्या? कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। पर अगर सगाई की विधि के समय ये पहनेगा नहीं तो हमें अच्छा लगेगा। 24 साल से मैंने इस दिन का इंतजार किया है, इसलिए नहीं चाहती कि इस पल में कोई भी कमी रह जाए। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं।
मम्मी खुशी के मौके पे लड़ाई नहीं करते समर। खुशी का मौका सबके लिए था लेकिन इस मौके में आप ही नहीं थी मम्मी। माँ साथ होना, माँ का आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। देख तो मेरा दोस्त कितना खुश है, कितना सुंदर लग रहा है और किंजल कितनी प्यारी लग रही है। तेरे पापा बा बापूजी सब कितने खुश हैं। मेरा परिवार खुश है, तो मैं खुश हूं। आप सबकी खुशियों का इतना ख्याल रखती हैं मम्मी लेकिन आपकी वैल्यू कोई नहीं करता है। होने दीजिए इन्हें खुश होना है तो, लेकिन जिस खुशी में मेरी मम्मी नहीं है ना, मुझे उस खुशी का हिस्सा बनना ही नहीं। समझ? चलिए मम्मी, सो सैड मिसेज अनुपमा वनराशा, सो सैड। आपने इस सगाई के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। घर में डांट खाई, इंसल्ट सही, यहाँ तक कि अपनी ज्वेलरी भी बेच दी। पर अफसोस, जिस सगाई के लिए आपने इतना कुछ किया वो आपके बिना ही होगी। जिस मोमेंट के लिए आप इतना त्याग कर रही थी वो मोमेंट आपके बिना ही बीत गया और किसी ने भी आपके लिए वेट करना जरूरी नहीं समझा। सबको सगाई की खुशी की इतनी जल्दी थी कि वो आपको भूल गए। अरे इतनी भी क्या जल्दी, इससे कई ज्यादा वक्त तो हम एक फोटोग्राफर के लिए वेट कर लेते हैं। लेकिन आपकी फैमिली ने आपकी उतनी भी वैल्यू नहीं की। आपके बच्चे, आपकी बा, आपका पति, किसी ने भी आपको याद नहीं किया। दिस इज अनबिलीवेबल बट वेरी सैड। अरे आप तो इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैं सगाई करवाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। लेकिन सच तो ये है कि आपकी अपनी फैमिली में आपकी कोई औकात नहीं। आई फील बैड फॉर यू, वेरी बैड फॉर यू, सीरियसली। बेचारी अनुपमा, टेक केयर, ओके। कामिनी को देखो। पहले के जमाने में ना बहू आती थी ना घर में, तो लोग रेडियो फेंक देते थे कि चलो अब बहू आजू बाजू की खबर सुनाएगी। पर आजकल की तो बहू है बेकार, ये कामिनी आई और चली गई, गांव की कोई खबर नहीं सुनाई। ए तोशु, वो अंगूठी वाली फोटो दिखा ना, जिस पल में मैं थोड़ी ऐसी रोने जैसी हो गई। बाकी फंक्शन तो बस हंसी मजाक होता है, असली ये जो है ना ये रस्म है। रिंग सेरेमनी कितनी इमोशनल थी ना काका। थैंक यू। कल जब किंजल की रिंग नहीं मिली थी तो तुम्हें भी हार्ट अटैक आने वाला था ना। मामा जी और बापू जी ऐसा मजाक करते हैं। जी हाँ भी। अरे वो वाली आगे वाली। हाँ वो देखा। अरे फोटो में कहीं बहू नहीं दिख रही। क्या क्या? हाँ देख ले, कहीं है ही नहीं।
कैसे हो सकता है? हाँ। आगे कर। एक सेकेंड। आगे कर आगे। हाँ। और आगे। हाँ। बाबूजी ये देखिए ना, ये तो नहीं देखो ना, पूजा के पहले वाले फोटोज में वो दिख रही है, लेकिन पूजा के बाद वाले में नहीं दिख रही है। आगे करो। हाँ? एक सेकेंड। अरे हाँ मम्मी, आप किसी फोटो में नजर क्यों नहीं आ रही हो? डोंट यू थिंक आप लोगों को ये बात कल सोचनी चाहिए थी? समर मम्मी प्लीज, अब तक शांत रहो, पर अब बोलूंगा। समर जो कहना है साफ साफ कहो। कल सगाई में सबको डेकोरेटर याद रहा, फोटोग्राफर याद रहा, इनफैक्ट वो केटरर तक याद रहा, बस मम्मी याद नहीं रही। जिसने सबसे लड़ाई करके सगाई पक्की की, जिसने सगाई के लिए अपने गहने तक बेच दी, डांट खाई सबकी, इनफैक्ट क्या क्या नहीं किया, वो कल 2 मिनट के लिए घर के आई भाई की शेरवानी लेने, किसी ने उन्हें मिस तक नहीं किया, इनफैक्ट किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि मम्मी नहीं है, मम्मी के बिना ही सगाई हो गई। भाई आप खुश हो ना? ऑब्वियसली हो गए, आपको अपनी खुशियां याद रही, पर खुशियां लाने वाली याद नहीं रही। और ये फोटोज, इन फोटोज में मैं नहीं हूं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, पर मेरी मम्मी इंपॉर्टेंट है, वो एक भी फोटोज में नहीं, आप सब हो, इनफैक्ट काव्या तक है। समर सॉरी पापा, मुझसे गलती हुई, मैंने आपसे सॉरी कहा, और अगर आप सबको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो प्लीज सॉरी कह दीजिए। घर में सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए सबसे बड़ी गलती मेरी है। आज तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने रिमेम्बर से, सचमुच मैं भूल गया था बेटा, मुझे और बापूजी को प्लीज हमारी ओर से बड़ी बड़ी वाली सॉरी। आप क्या कर रहे हैं मामा जी? इतना कौन सा बड़ा पाप हो गया है, सब लोग सॉरी सॉरी बोल रहे हैं। अरे सगाई लगन में भीड़ भाड़ होती है तो ऐसा हो जाता है, एक दो फोटो में मैं भी नहीं हूँ तो क्या मैं रोने धोने लगी? हाँ। और तोचो, आजकल तो वो कंप्यूटर पे ऐसे फोटो चिपका देते हैं ना, इसका भी चिपका देना बस। तुम्हें सगाई छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी अनुपमा? समर को भेज देती तो इसे हाई बेचारी बनने का मौका नहीं मिलता ना। मम्मी एक शेरवानी के लिए आप मेरी सगाई छोड़ के चली गई और आप मुझे गिल्टी फील करा रही हो। मैं अपने दोस्तों को फोटोज दिखाऊंगा, वो लोग पूछेंगे कि मेरी मम्मी इस फोटो में क्यों नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो इसलिए तो कह रही हूँ कि कंप्यूटर से चिपका देना। अरे बा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज अनुपमा, हर बात पर बेचारी बनना बंद करो आप। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।